गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास हमने आपको कोलोइड्स की कुछ डिटेल्स बता दी थी। कोलोइड्स क्या होते हैं? कोलोइड्स वो सॉल्यूशन होते हैं जिनकी सॉल्यूट पार्टिकल्स की साइज सस्पेंशंस की सॉल्यूट पार्टिकल की साइज से छोटी होती है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल की साइज से बड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, इंक, स्टार्च सॉल्यूशन और सोप सॉल्यूशंस के कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। फिर हमने देखा कि हम इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। बाहर से देखने के बाद ये कैसा दिखता है? बिल्कुल होमोजीनस की तरह, लेकिन एक्चुअली ये होमोजीनस नहीं होते हैं। इसके दो प्रूफ है। पहला, ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा, यानी कि जब भी इसे बीम ऑफ लाइट पास कराई जाएगी तो ये उसके पाथ को क्या करता है? स्कैटर करता है, एक बात। दूसरी, रिफ्लेक्ट करेगा। तीसरी, सॉल्यूशन में इस लाइट के बीम के जो पाथ होगी उसको विजिबल करता है। ये सब इस बात के प्रूफ है कि इसके सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स की साइज है वो इतनी बड़ी है कि वो ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में हम उसको बड़ा, बहुत बड़ा मान सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप हाई पावर माइक्रोस्कोप ले लें और जो आप सॉल्यूशन है आप उसकी एक बूंद ले जाकर वहाँ एग्जामिन करें, चेक करें। अगर आपको उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स दिख गए, इसका मतलब वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। अगर नहीं दिखा, इसका मतलब वो ट्रू सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मिल्क की एक बूंद ले जाके हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो आपको फैट्स, जो कि न्यूट्रिएंट्स होती हैं, पूरे लिक्विड में चारों तरफ आपको तैरती हुई दिखाई पड़ेंगी। ये किसका प्रूफ है? इसका मतलब जो आपको मिल्क होमोजीनस मिक्सचर की तरह, ट्रू सॉल्यूशन की तरह दिख रहा था, एक्चुअली वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं था। वो क्या है? हाँ, हेट्रोजीनस मिक्सचर है और वो नेचर में कोलोइड है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स आर एज फॉलो। पहला, अ कोलोइड और कोलोइडल सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी होमोजीनस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनस। जो कोलोइड्स या कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो बाहर से देख के आपको कैसा फीलिंग देंगे? हाँ, यू विल फाइंड दैट दे आर लुकिंग वेरी सिमिलर टू होमोजीनस। आपको देख के लगेगा कि वो क्या है, होमोजीनस, बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनस। दूसरा, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलोइड सॉल्यूट पार्टिकल इज बिगर देन द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड स्मॉलर देन द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन। यानी कि कोलोइडल सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स की साइज ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल की साइज से बड़ी होती है, लेकिन सस्पेंशन सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स की साइज से छोटी होती है। तीसरी, द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलोइड्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। हाँ, अगर आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप लेके कोलोइडल सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स को आप देखना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? हाई पावर माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड और कोलोइडल सॉल्यूशन कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। यानी कि फिल्टर पेपर से अगर आप इनको छानने की कोशिश करें, अलग अलग करने की कोशिश करें, तो वो कोशिश बेकार है, वो कुछ नहीं होगा। यानी कि वहाँ से भी आपको देख के लगेगा अरे ये तो ट्रू सॉल्यूशन है, बट ऐसा नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा? लेके जाइए और चेक करिए टिंडल इफेक्ट शो करता है या नहीं। तो ये क्या करता है? टिंडल इफेक्ट को शो करता है। सो कोलोइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसका मतलब जो कोलोइडल सॉल्यूशन है हम फिल्टर मेथड की हेल्प से या फिल्ट्रेशन की हेल्प से उसे अलग अलग नहीं कर सकते। आप इसके साथ चाहें तो और एक आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं। कौन से पॉइंट? दैट कोलोइडल सॉल्यूशन शोज टिंडल इफेक्ट। अच्छा है, अब यहाँ पर दिया है, आपको अपने सेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए, सो दिया नेक्स्ट पॉइंट इज द कोलोइड्स और कोलोइडल सॉल्यूशन आर क्वाइट स्टेबल। हाँ, ये सॉल्यूशन कैसे होते हैं नेचर में? स्टेबल, यानी कि अगर आपने उनको एक बार मिला दिया तब ऐसा नहीं कि चार दिन बाद वो फिर से आपको मिलाना पड़ेगा, नहीं, एक बार आपने मिला के छोड़ दिया तब वो हमेशा मिले ही रहेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। अगर आपने उनको रख दिया लंबे समय के लिए तो ये नहीं है कि जिनको आपने मिक्स किया तो वो वापस से अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट वन इज अ कोलोइड और कोलोइडल सॉल्यूशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर फेयरली लार्ज। और ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि कोलोइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स, उनकी साइज काफ़ी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। अब दो कोलोइड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, क्योंकि अभी हमने सीखा कि कोलोइड्स को हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से, यानी कि फिल्टर पेपर की हेल्प से अलग अलग तो नहीं कर सकते, बट स्पेशल टेक्निक नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलोइड पार्टिकल्स फ्रॉम अ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो हम उसके लिए एक अलग टेक्निक यूज करते हैं और उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। आप एक चीज़ देखी होगी, जब भी डेयरी मिल्क सेंटर पर अगर आप गए होंगे तो वहाँ पर क्या होता है, एक मशीन होती है, वो काफ़ी तेज़ घूमती रहती है। हाँ, उसके घूमने की वजह से जो उसके अंदर फैट है वो क्या होते हैं, ऊपर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। या फिर पहले के ज़माने की अगर बात करें तो मटके में या फिर किसी कंटेनर में, जो पहले के लोग थे वो क्या करते थे, एक ऐसा वो बनाते थे, बनाने क्या थे उनको मार्केट से वगैरह से ख़रीदते थे, ऐसा कुछ गोल सा होता था, और उसको लेके वो उसके अंदर कंटेनर में डाल के, मान लीजिए ये मेरा कंटेनर है, ठीक है, वो इसको इसके अंदर डालते थे और इसको काफ़ी स्पीड से घुमाते रहते थे, दही हो ऐसा कुछ भी हो, तो उससे क्या होता था, इसके अंदर के जो फैट्स होती हैं वो इतनी तेज़ घुमाने की वजह से धीरे धीरे क्या होती हैं, ऊपर आके इकट्ठा होने लगती हैं। तो ये भी छोटी सी टेक्निक थी जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर ही आती है। अभी तो हम डिटेल में सारे टेक्निक्स को पढ़ेंगे, तब तक आप इतना समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टू डिस्टिंग्विश अ कोलोइड्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। अब अगर आपको एक कोलोइड्स को सॉल्यूशन से बाहर करना है या फिर सेपरेट करना है या उसको अलग अलग करके बताना है तो आपको क्या करना होगा, तो आप ये हेडिंग डाल देंगे, ठीक है, उसमें पॉइंट वाइज लिख लेंगे, पहला दूसरा, दो ही पॉइंट है। पहला, द सॉल्यूशन विच स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड रेंडर इट्स पाथ विजिबल विल बी अ कोलोइड। सिंपल है, ऐसा सॉल्यूशन जिससे आप टिंडल इफेक्ट को चेक करिए, अगर वो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है तो वो क्या होगा, कोलोइड होगा, अगर नहीं कर रहा है तो वो कोलोइड नहीं होगा, यानी वो ट्रू सॉल्यूशन होगा। द सॉल्यूशन विच डज नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड डज नॉट रेंडर इट्स पाथ विजिबल विल बी अ ट्रू सॉल्यूशन। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जो कि टिंडल इफेक्ट शो करते हैं दे आर नोन एज कोलोइडल सॉल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशन जो कि टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते दे आर नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, अ सोप सॉल्यूशन इज स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट, इसका मतलब, हाँ इसका मतलब सिंपल है कि सोप सॉल्यूशन क्या है, कोलोइड है, जबकि सॉल्ट सॉल्यूशन, सुगर सॉल्यूशन, इससे बीम ऑफ लाइट स्कैटर नहीं होती, यानी कि टिंडल इफेक्ट्स वो नहीं करते, इट मीन्स दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। अब हम कोलोइड्स को भी कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। कोलोइड्स डू नॉट इन्वॉल्व ओनली सॉलिड एंड लिक्विड, कोलोइड्स में सिर्फ सॉलिड और लिक्विड हो ऐसा जरूरी नहीं है, दे मे ऑल्सो इन्वॉल्व सम गैसेस, उसमें कुछ गैसेस भी हो सकती हैं। सो कोलोइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज यानी कि सॉल्यूट, एंड डिस्पर्सन मीडियम यानी कि सॉल्वेंट। मोस्ट ऑफ द कोलोइड्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 7 ग्रुप्स, यानी कि आपकी हेडिंग नेक्स्ट होगी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, और उसमें आप लिखेंगे, पहला सोल, दूसरा सॉलिड सोल, तीसरा एरोसोल, चौथा इमल्सन, पांचवा फोम, छठवा सॉलिड फोम, एंड द 7th वन इज जेल। यानी कि अब हम क्या करेंगे, कोलोइड्स के 7 पार्ट्स डिस्कस करेंगे, कौन कौन से, पहला सोल, दूसरा सॉलिड सोल, तीसरा एरोसोल, चौथा इमल्सन, पांचवा फोम, छठवा सॉलिड फोम, एंड द 7th वन इज जेल। तो आइए चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। ऑल दीज आर द टेक्निकल नेम्स ऑफ द ग्रुप ऑफ कोलोइड्स, वी विल नाउ डिस्क्राइब ऑल दीज कोलोइड्स इन ब्रीफ। हम बहुत ही छोटे से
मतलब नाम भर के बस इनके बारे में आपको बताया जा रहा है कि ये भी एग्जिस्ट करते हैं। देखिए पहला सोल क्या होते हैं, सोल इज अ कोलोइड इन विच टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम। सोल वो है जिसमें छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स में मिक्स होते हैं। एग्जाम्पल्स आर इंक, सोप सोल्यूशन, स्टार सोल्यूशन एंड पेंट। हाँ, जो घर पर दीवारों पर पेंट लगाते हैं ना, वो वाली पेंट। दूसरा सॉलिड सोल, नाम से ही पता चल रहा है सॉलिड सोल इज अ कोलोइड इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम। जब हम सॉलिड में सॉलिड को मिक्स करते हैं दैट इज नोन एज सॉलिड सोल। एग्जाम्पल्स कलर्ड जेम स्टोन्स लाइक रूबी, रूबी तो आपने देखा ही होगा। हाँ, ये आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, इसमें कई पार्टिकल्स सॉलिड के एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ये क्या हो गया, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल। थर्ड वन इज एरोसोल, भाई दिस इज द थर्ड। एन एरोसोल इज अ लिक्विड, सॉरी एन एरोसोल इज अ कोलोइड इन विच अ सॉलिड और लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अ गैस। देखिए पहले हमने क्या देखा, सॉलिड का लिक्विड में मिलना दैट इज सोल, सॉलिड का सॉलिड में मिलना दैट इज सॉलिड सोल। नाउ वी आर डिस्कसिंग सॉलिड या लिक्विड का गैस से मिलना दैट इज एरोसोल। एरो का मतलब होता है एयर, भाई देखते हैं तो एग्जाम्पल्स ऑफ एरोसोल इन विच अ सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन अ गैस आर स्मोक, धुआं। दूसरा ऑटोमोबाइल एग्जस्ट, नॉट एग्जस्ट, एग्जॉस्ट। कई बार जब गाड़ियाँ चलती रहती हैं तो गाड़ियों के पीछे से धुआं निकलता रहता है दैट इज नोन एज ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। दूसरा द एग्जाम्पल्स ऑफ एरोसोल इन विच अ लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अ गैस दैट इज हेयर स्प्रे, फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड्स। ये वो एग्जाम्पल्स है जिसमें लिक्विड पार्टिकल्स मिक्स होती है किसमें, गैस में, सही है। तो आज हमने सीखा तीन टाइप के, अब हम क्या करेंगे बाकी के जो चार बचे हैं और इन तीन का रिवीजन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होते चले। तो आप इन तीनों पॉइंट्स को लिख लेंगे और इनके एग्जाम्पल्स को आप याद रखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।